अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा करेक्टर मॉडलिंग के बारे में बताऊंगी। ये बेसिकली एक ह्यूमन करेक्टर मॉडलिंग नहीं है, ये एक कार्टून करेक्टर मॉडलिंग है। तो मैं स्टार्ट कार्टून करेक्टर से इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट करेक्टर मॉडलिंग, कि आपको आइडिया थोड़ा सा हो कि अगर हम कोई कार्टून करेक्टर बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह से बनेगा। थोड़े से बेसिक्स में आज आपको इसके समझाऊंगी। तो ये जो सिंपल सा एक करेक्टर मैंने बनाया है, बहुत इजीली बन जाएगा बेवल टूल यूज़ करके। तो ये मैंने इसलिए सिंपल से स्टार्ट किया था कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएं, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ना लगे। तो इसके बाद फिर हम ह्यूमन मॉडलिंग पर भी आएंगे। तो आज के लेक्चर में जो हमारा स्टार्टिंग का है मॉडलिंग का, तो उसमें हम सिर्फ इस तरह से सिंपल सा एक करेक्टर बनाएंगे जो बहुत ईजीली बन जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि ये बना कैसे है। ये मैंने एक सिर्फ सिंपल सी यहाँ पे क्रिएट पे जाके पॉलीगन प्रिमिटिव से एक क्यूब ली है, ठीक है। ये मैंने क्यूब लेकर इसको इस तरह से बनाया, ठीक है। और यहाँ पे हम जाएंगे एडिट मैश में, ठीक है। एडिट मैश में जाके ये बेवल टूल, जिसके बारे में आप सबको पता है कि हाउ बेवल टूल वर्क्स, ठीक है। तो इसकी कंट्रोल बी इसकी शॉर्ट की होती है। तो ये मैंने बेवल टूल के साथ इसके फ्रैक्शंस को थोड़ा सा चेंज किया है। इसको मैंने थोड़ा सा ना इस तरह से कर्व्स में लेकर आई हूँ मैं। ये ऐसे करके ठीक है, इस तरह से इसको मैं कर्व्स में थोड़ा सा लेकर आई हूँ। और इसको हम थोड़ा सा रीसाइज करते हैं। ये ठीक है, बहुत ही इजी है ये, आप बड़े आराम से इसको बना लोगे। और आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ह्यूमन मॉडलिंग में जाएंगे। इसको बनाने के बाद मैं इसको कर रही हूँ कंट्रोल डी, कंट्रोल डी शॉर्ट की है डुप्लीकेट की, आप सबको पता है। इसको मैं रीसाइज़ करूँगी। थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से फेस बन गया। और इसी को मैं कंट्रोल डी करूँगी, नीचे की तरफ लेकर आऊँगी और आर प्रेस करके इसको रीसाइज कर दूँगी ऐसे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, इसमें आपको कोई जो है वो टफ नहीं लगेगा। ये इसको मैंने सिलेक्ट किया है और इसको भी कंट्रोल डी मैंने किया है डब्ल्यू प्रेस करके। इसको हम लेकर आते हैं इधर साइड पर और इसको हम करते हैं रीसाइज। ठीक है, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हम रोटेट कर देते हैं। ठीक है, इसको फिर मैं डुप्लीकेट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं इसको तो इस तरह से यहाँ से हम जो है इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसी को ही मैं पकड़ कर डुप्लीकेट करती हूँ, रोटेट करते हैं इसको। थोड़ा रीसाइज करके इसको ठीक करते हैं, डुप्लीकेट, ठीक है। इस तरह से हमारी लेग्स बन गई हैं, इनको और थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा।
है, इस तरह से बहुत इजीली जो है ये करेक्टर बन जाता है हमारा। इस क्रिएट में जाके मैं पॉलीगॉन से जो है एक स्फीयर लूँगी इसकी आईज ड्रॉ करने के लिए। डुप्लीकेट, ठीक है। उसके बाद पॉलीगॉन से मैंने सिंपल सा एक टॉरस ले लिया, इसका फेस मैं करती हूँ सिलेक्ट हाफ और उसको मैं कर देती हूँ डिलीट। इसको हम रिसाइज करेंगे। ये इस तरह से जो है हमने सिंपल सा एक कार्टून मॉडल जो है वो बना लिया है उसके जैसा। इसको हम अब थोड़ा टेक्सचर लगा देते हैं। बाकियों को मैं शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर रही हूँ और इन पे हम सेम टेक्सचर लगा लेंगे। और इसकी आईज को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत इजीली हमारा एक किस तरह से करेक्टर बन गया जो आप बहुत आराम से बना सकते हो। और इसके बाद जो है आज के टास्क में आप बस इतना करो कि इस तरह से कुछ करेक्टर्स बनाने की इजीली जो आपसे बन जाएं उनको बनाने की कोशिश करो। और फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि इनकी रिगिंग कैसे करनी है, इनको हमने जॉइंट्स कैसे लगाने हैं और फिर जॉइंट्स लगा के इनको हमने चलाना कैसे है। ठीक है, तो आज का जो आपका टास्क है सिर्फ इतना सा ही या सिंपल सा था कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए और इस तरह से कुछ करेक्टर्स बनाओ और फिर उसके बाद हम इनको जॉइंट्स लगा के इनको चलाएंगे। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह ह्यूमन मॉडलिंग पर आएंगे। तो आज का आपका जो टास्क था वो इतना सा ही था। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।